राजधानी लखनऊ के काकोरी के गांव नरोना में खेत गए किसान राम नारायण के ऊपर रविवार शाम हिंसक जानवर ने हमला कर दिया। हमले में किसान घायल हो गया। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। जानकारी पर पहुंची वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में पद चिन्हों की तलाश की, लेकिन पद चिन्ह नहीं मिल सके। हालांकि ग्रामीणों में तेंदुए को लेकर दहशत का माहौल है। अपनी सुरक्षा के लिए गाँव के लोग लाठियां लेकर पहरा दे रहे हैं। बता दें कि नरोना निवासी राम नारायण फूलों की खेती करते हैं। रविवार शाम 4 बजे के करीब राम नारायण फूल तोड़ने के बेटे आदर्श के साथ खेत गए थे। राम नारायण के अनुसार फूल तोड़ते समय हिंसक जानवर जो तेंदुए जैसा प्रतीत हो रहा था पीछे से हमला कर दिया। तेंदुए को देखकर बेटा आदर्श पेड़ के पीछे छिप गया, जबकि राम नारायण हमले से घायल हो गया। गले, सीने और पीठ पर पंजे के लगभग 9 निशान हैं। रेंजर जेपी गुप्ता ने बताया कि हिंसक जानवर तेंदुआ या लकड़बग्घा हो सकता है। सोमवार सुबह से सर्च अभियान चलाकर पदचिन्हों को दोबारा देखा जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से वन रक्षकों को गांव में तैनात कर दिया गया है। इसके बाद भी ग्रामीण अपनी सुरक्षा के मद्देनजर लाठियां लेकर रात में पहरा दे रहे हैं, ताकि तेंदुआ उनके पशुओं को नुकसान न पहुंचाए और गाँव में दहशत का माहौल है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।